नमस्कार। मैं दो दिन से यहाँ बीएचयू में हूँ और आज सुबह मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि अंग्रेजी विभाग में मैंने हिंदी में बात की। मेरी भाषा हिंदी है, मैं कोई अंग्रेजी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि हालांकि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, जैसे आम पढ़ा लिखा भारतीय बीए एमए पास बोल लेता है, उतनी अंग्रेजी मैं भी बोल लेता हूँ। और हम लोग मानते हैं कि अंग्रेजी हमारी भाषा हो गई और हम अंग्रेजी में बोल लेते हैं, लेकिन मैंने पाया कि मैं जब अंग्रेजी में बोलता हूँ और जब मैं हिंदी में बोलता हूँ उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो सहजता स्वतः होती है, अंग्रेजी में जब बोलता हूँ तो वो सहजता नहीं होती और अंदर से बहुत सारी बातें बोलते बोलते कनेक्ट होती चली जाती है जब मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो अगर पहले से लिख के नहीं भी, जो मैं अक्सर नहीं करता हूँ, तो जब बोलता हूँ तो अपने आप कुछ चीज़ें उससे जुड़ती हुई मुझे नज़र आती हैं और कभी कभी मैं उनको आपके सामने भी रख पाता हूँ। अंग्रेजी में जब बोलता हूँ तो ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ सहजता की बात पे भी मुझे बोलने के लिए कहा गया है तो मैं इस बात को रख रहा हूँ कि भाषा का सहजता से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जिस भाषा में आप पैदा हुए होते हैं, जिस भाषा में आप पले बढ़े हुए होते हैं, जिनकी कहावतें कहानियाँ और idioms और phrases आपने सुने हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके DNA में शायद चले जाते हैं। और जब आप उस भाषा में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उसमें संप्रेषित करते हैं, तो वो कुछ जो जो अदृश्य सा होता है, जो आप बहुत स्पष्ट रूप से न देख पाते हैं न वो शायद प्रदर्शित करता है अपने आप को, वो अपनी भाषा में बोलते वक्त ईमानदारी से जब बात होती है, तो नाटक हो तो नहीं होगा ये, लेकिन अगर ईमानदारी से हम बात करते होते हैं और खुलकर बात करते होते हैं, तो वो सो जो सब अंदर होता है, जो पहले का, उससे कनेक्शन बैठता है और वो बहुत शुभ है। वो जो कनेक्शन है वो एक अच्छा कनेक्शन है, शुभ का कनेक्शन है। इसलिए मैं हिंदी में बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं आप लोगों से कुछ बातें जो मेरे मन में चल रही हैं उसको शेयर करूंगा। मैं कुछ ऐसे बताने नहीं आया हूं, उपदेश तो देनी दूर की बात है, पर मेरे अंदर जो घट रहा है पिछले 20-25 सालों से, जब से मैं पहाड़ों में रहने लगा, अपना काम कलकत्ते का रहने वाला हूं और बिहार से भी एक कनेक्शन है, तो बिहार और बंगाल को जब छोड़ के पहाड़ों में आया, तब से लेके अभी तक की ज़िंदगी में मैंने एक ईमानदार ज़िंदगी जीने की कोशिश की। और उस ईमानदारी का मतलब, मैं ये भ्रष्टाचार वाली ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5 रुपये लिए और 5 रुपये वापस कर दिए या घूस ली या नहीं ली वगैरह वगैरह, मैं एक दूसरी तरह की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि जैसा जो मुझे अपने देश में कम होती नज़र आ रही है अनायास। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि हम बेईमान हो गए हैं, लेकिन हमारी जो इस ये जो इंटेग्रिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो मुझे कम नज़र आती है। और मैं ये बांट रहा हूँ आपके साथ, मैं ये, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं वो चैलेंज को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। मैंने गांव के साधारण लोगों में वो ईमानदारी और वो ऑथेंटिसिटी देखी है, और ये मैं कोई गांव को रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बातचीत की बात कर रहा हूँ। गांव में भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हिपोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो एक साधारण गांव का आदमी है, खासकर महिला है, उसमें मैं वो ऑथेंटिसिटी कम, अगर वो 50 साल से बड़ी उम्र की है तो ज़्यादा संभावना है, उसमें वो एक सहजता, एक ऑथेंटिसिटी, एक इंटेग्रिटी दिखाई देती है जो हमारे पढ़े लिखे समाज में लुप्त होती जा रही है। जब मैं पढ़ा लिखा समाज कहता हूँ तो मैं PhD की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो 10-12 साल स्कूल की व्यवस्था से निकल गया या ज़्यादा, उसमें ये आ जाता है। ये कैसे आता है
इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, और इस पे मैंने थोड़ा सोचा है, अपने अंदर भी देखने की चेष्टा की है। इसी इस बात को और इसके कई आयामों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जब आया मसूरी में और अनायास जो काम हो जिसका अभी चर्चा प्रोफेसर साहब ने की, वो अनायास हुआ। मैंने उसकी कोई योजना नहीं बनाई थी, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो हो गया। क्योंकि गांव में जाने का एक क्या कहें, शौक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चला जाता था, हफ्ते में एक आध बार गांव की ओर निकल जाता था। वो इसलिए निकल जाता था कि एक उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी कि पहाड़ के ग्रामीण बंगाल बिहार के गांव मैंने देखे थे, लेकिन मैंने पहाड़ के गांव नहीं देखे थे, और पहाड़ के गांव उन गांव से देखने में कम से कम बहुत अलग हैं, छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, जिसको हम गांव भी नहीं कह सकते, मतलब 10 परिवार का भी एक गांव पहाड़ में होता है हमारे यहाँ, क्योंकि ज़मीन वैसी है इसलिए। और उनके मकान, उनका आर्किटेक्चर, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो सांस्कृतिक पक्ष है, इन सबको देखने की एक जिज्ञासा, समझने की एक जिज्ञासा थी, सहज जिज्ञासा थी। तो चले जाते थे, अच्छा भी लगता था, और वहाँ के गांव वाले काफ़ी क्या कहें, मतलब घर में बुला लेते थे, खाने वाने को भी पूछ लेते थे, एक मैत्री का एक वातावरण था वहाँ पे, शंकालु वातावरण नहीं था कि आप कैसे आए हैं, क्या करने आए, ऐसा नहीं था। मैं 27-28 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जाते जब जाने लगे तो हाँ उधर फिर कुछ दोस्ती तो नहीं कहना चाहिए, पर जान पहचान हुई, और उस जान पहचान के चलते उन्होंने हमको एक दिन पूछ लिया कि भाई आप कुछ करते नहीं है लगता है। तो मैंने कहा हाँ, वैसे जिसको आप करना कहते हैं वैसा तो मैं नहीं करता हूँ। तो वो फिर उन्होंने देखा कि मेरे पास एक छोटी मारुति गाड़ी भी थी, तो उनको लगा कि ठीक ठाक है, और उन्होंने कहा कि आप अच्छा कुछ हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, यहाँ स्कूल नहीं है। तो हमने कहा हम स्कूल वगैरह तो नहीं खोलेंगे, बड़े झंझट में फंस जाएंगे, लेकिन मैं 2-4 घंटे रोज आ जाऊँगा, और आपके आप अगर जगह दे देंगे तो हम कुछ बच्चों को पढ़ा वढ़ा लेंगे। और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और इसमें 6-8 महीने के बाद जब मेरा और मेरी पत्नी का गाँव के लोगों से रिश्ता बना, और ये रिश्ता बनना, मैं इस पर एक वो हम लोग मिलते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा कहते हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं होता। रिश्ता बनने में समय लगता है, क्योंकि उसमें एक विश्वास पैदा होना ज़रूरी होता है, उस रिश्ते में एक सहजता आनी ज़रूरी होती है, उस रिश्ते में मुखौटे हटने ज़रूरी होते हैं, उस रिश्ते में हमारा जो परसोना है, यूंगियन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जो परसोना होता है उसको थोड़ा ढीला तो होना ज़रूरी होता है, तो वो ऑथेंटिसिटी की बात आ जाती है, तब रिश्ता बनता नहीं तो औपचारिकता चलती रहती है। तो जब हमारे रिश्तों में इस तरह की एक 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 नरमी आई, एक ढीलापन आया, तब गाँव की महिलाओं ने हमको झकझोड़ दिया अच्छी तरह से। और उसी की बात तभी प्रोफेसर साहब उसको कह रहे थे, उसकी बाद में हमने एक रिसर्च स्टडी बनाई जिसका नाम दिया अ मैटर ऑफ क्वालिटी। वो जिनको आप लोगों में से बाद में जिसकी इच्छा होगी मैं भिजवा भी सकता हूँ उसको, उसकी थोड़ी बातें मैं करना चाहूँगा। उन्होंने हमको सबसे शुरू में ये कहा कि भाई तुम पढ़ा लिखा करके हमारे बच्चों को बर्बाद करो। जो मैं हर भाषण में जहाँ जहाँ मेरी बात होती है मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि इसलिए रखता हूँ कि ये इस पे सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ये क्या मतलब है उनका कि हमारे बच्चों को आप पढ़ा लिखा करके बर्बाद कर रहे हो। और मेरे जैसे कोट अनकोट पढ़े लिखे आदमी के लिए ये पचना बहुत मुश्किल था कि पढ़ाई लिखाई कैसे बर्बाद कैसे कर सकती, हम तो आबाद करने आए हैं और ये बोल रहे हैं बर्बाद। उनका मतलब ये था, बहुत छोटे में बताऊं तो, कि वो कहीं भी उस महिलाओं ने कहा कि देखिए ये पढ़ लिख करके ये लड़का जो है हाथ पैंट में हाथ डाल के दिन भर घूमता है, काम वाम होता नहीं, इससे करता है तो बड़ा मन मार के करता है, और ये जो लड़की है ये नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, और वो नेल पॉलिश वाले हाथ अब गोबर में कैसे जाएं। ये बहुत संक्षेप में उसका जिस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये उन्होंने कहा और हमने देखा कि ये बात में सत्यता है।
और साथ साथ में एक महिला जो मैं उसको तो एक तरह से मेरी पत्नी तो उसको गुरु ही मानती है, तो वो उसने कहा, पुलमो देवी नाम है उसका, उसने कहा कि आप स्कूल में होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ, टीच देम हाउ टू बी नॉट हाउ टू अपियर और हाउ टू लुक. ये जो पूरा ये जो ऑथेंटिसिटी वाला मामला है, इंटेग्रिटी वाला मामला है, उससे जुड़ती है ये बात कि भाई होना जो हो वैसे रहो ना, उसी में सहजता है, उसी में आत्मविश्वास है, और फिर जो कुछ होगा वो इसी के बेसिस पे होगा. ये तुम्हारी जड़ है, इसी के बेसिस पे जो कुछ होना होगा होगा. लेकिन अगर इसी को छोड़ दोगे और हर समय अगर तुम कुछ और बनने की चेष्टा कर रहे हो जो तुम हो नहीं, या उसको दिखाने की चेष्टा कर रहे हो जो तुम हो नहीं, तो तुम्हारा जड़ कहाँ है? तुम तो बिन पेंदी के लोटे जैसे हो गए. इस तरह की बात उस महिला ने की, और मुझे इस बात में आज तक मैं सोचते ही रहा हूँ. और मैं बहुत सारी चीजें, फिर गांधी जी का नाम लूँ, धर्मपाल जी का नाम लूँ, और अनेकों लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ, इनकी जो बातें मुझे समझ में आई वो इन इस बात से जुड़ती चली गई कि होना सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए. इसलिए नहीं कि किसी गुरु महाराज ने कहा है कि भाई ऑथेंटिसिटी बड़ी चीज है, इसलिए नहीं, ये मेरे लिए मेरे 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 फायदे की चीज है. तो इसका जो स्कूल में आकर के बच्चा, या कॉलेज में जाकर या यूनिवर्सिटी में जाकर, ये जो पूरी शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ जो बच्चा होता है, और फिर और दूसरे प्रभाव है, मीडिया का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, ये जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव है, ये कोई अलग थलग नहीं है, ये सभी कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ये सारे प्रभाव आपको प्रेरित करते हैं कि आप दिखावा करते रहे, और वो प्रेरणा कोई दबाव, एक अनसेड अदृश्य सा दबाव है जिसमें कि मैं जो हूं उसको मैं छुपाने लगता हूं. तो मैं जिस बोली भाषा के माहौल से आता हूं उसको मैं थोड़ा नीचे मानने लगता हूं, थोड़ा ओछा मानने लगता हूं, कोई कम कोई ज्यादा, और किसी और भाषा को, इस अपने देश में अंग्रेजी को, मैं बहुत महिमा मंडित कर देता हूं. और फिर मैं ये मान लेता हूं कि जो ज्ञान तो सारा अंग्रेजी में ही है, और लोग भी मेरी इज्जत तो अंग्रेजी में ही करेंगे, वगैरह वगैरह, और उसका फीडबैक भी आपको बराबर मिलता है. तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा कुछ मामला हो जाता है. आप ऐसा मान लेते हैं और फिर सारी की सारी सूचनाएं भी आप वो लेने लगते हैं जो इस मान्यता को और पुष्ट करे. ये मामला शायद सारे कॉलोनियल देशों में हो, जहां जहां अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने हुकूमत की, वहां शायद हर जगह हो, थोड़ा कम हो बेश. लेकिन मेरा ऐसा मानना हो रहा है धीरे धीरे कि शायद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है ये समस्या, और जगह भी है, लेकिन हम इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं. मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं अभी हाल का, कि आप दिल्ली के, बनारस तो बचा हुआ होगा मेरे सर में, पर दिल्ली या बंबई या कलकत्ता के कोई बड़े 5 सितारा होटल में जाएं या बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, तो आप पाएंगे कि कोई भी आदमी वहां जाता है जो आपको आपको आपके ऑर्डर लेता है, सामान लाके देता है, खाना लाके देता है, वेटर वगैरह, उससे 100 में से 95 लोग अंग्रेजी में बात, और कई बार कई मर्तबा उस वेटर को बेचारे को ठीक से अंग्रेजी नहीं आती है. आप अंग्रेजी में बोल, और वो भी अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करता या देता है, उस प्रक्रिया को अगर आप समझे तो ये हम उसकी उसमें हीनता की भावना को बढ़ा रहे हैं, और हम भी हीनता की भावना से बोल रहे हैं. मेरी पत्नी अभी पाकिस्तान गई थी लाहौर, कोई वहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल था, कुछ किसी के साथ जाने का उनको मौका लग गया, उनकी बचपन से ख्वाहिश रही है कि आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान जाएं, तो चली गई. अमृतसर होते हुए लाहौर गई, तो लाहौर में एक बड़े होटल में उनको ठहराया गया. तो हमारी पत्नी भी उसी माहौल से है, तो वेटर आया तो अंग्रेजी में बोली, तो वेटर ने घूम के देखा बड़ी अदब से और बोला, क्यों आपको अपनी जुबान नहीं आती है क्या? मुझे हिंदुस्तान में नहीं लगता कि कोई 5 सितारा का होटल का वेटर इस तरह की बात कर सकता है.
तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी इस मामले में फर्क है। हम लोग इतने आत्मसंकोची क्यों हो गए? ऑफ कोर्स इसके इतिहास में मैं जा सकता हूं और शायद थोड़ा जाना ही चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी घटना, दो घटनाएं बताऊं। एक घटना है 1818 की, ये बात मैंने कल भी रखी थी पर मैं इसको जरूरी समझता हूं। 1818 में विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर, बंगाल में राजधानी और वो गवर्नर जनरल, और 1815 में बंगाल के बैरकपुर में एक बड़ा सिपाही विद्रोह हुआ, काफी बड़ा हुआ, उसकी ज्यादा चर्चा हमारे इतिहास में नहीं है पर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो बड़ा था, और उसको अंग्रेजों ने किसी तरह कुचल दिया, संभाल ली स्थिति को। तीन साल के बाद 1815 के तीन साल बाद 1818 को विलियम बेंटिक एक चिट्ठी लिखता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब फॉरेन मिनिस्टर इंग्लैंड के, उनको वो चिट्ठी लिखते हैं, और उस चिट्ठी में, बहुत लंबी चिट्ठी है, हिंदुस्तान की क्या स्थिति है उसके बारे में, उसमें दो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो बोलते हैं नाउ देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड इमिटेटिंग आवर वेज। तो अब हमारी नकल होने लगी, अब डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप नकल करने लगते हैं तो आप दूसरे का अनुसरण करने लगते हैं, विद्रोह विद्रोह कहां होगा। उसी तरह से 1853 मतलब 1857 के पांच साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, चार साल पहले की, 1853 में एक हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमिटी बैठी थी टू डिसाइड कि हिंदुस्तान में एजुकेशन किस तरह की हो। यानी दो बेसिकली स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो पहले से जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और मैं गुरुकुल व्यवस्था की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है जिसका जिक्र धर्मपाल जी की किताब में द ब्यूटीफुल ट्री में आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, जिसमें कि अंग्रेजों के पुराने डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, जिससे ये पता चलता है कि बंगाल बिहार के 100,000 गांव, और उस समय का बंगाल बिहार मतलब आज का पूरा बिहार, आज का पूरा वेस्ट बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का, और मणिपुर और त्रिपुरा और ये नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं उसका एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा, तो ये सब मिलाकर 100,000 गांव। इस 100,000 गांव में वो विलियम एडम्स की रिपोर्ट ये कहती है, जो कि 18वीं शताब्दी के अंत की या 19वीं शताब्दी के शुरू की रिपोर्ट है, 1830 के पहले है, क्योंकि 1830 के बाद मामला काफ़ी बदला है। 1830 के पहले अंग्रेज यहाँ पर इस भारतवर्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जैसा उनको दिखाई देता है उसको वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं विलियम एडम्स की देर इज नॉट अ सिंगल विलेज आउट ऑफ दिस 100,000 विलेजेस विच डज नॉट हैव एट लीस्ट वन स्कूल। माने कोई कोई गांव में एक से ज्यादा भी स्कूल हो सकते हैं, एट लीस्ट वन स्कूल, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्कूल नहीं हो। अब वो स्कूल किसको कह रहे हैं वो भी डिफाइंड है, मतलब हमने तो स्कूल नहीं कहा होगा पर वो जो है उसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है ये सबकी डिटेल चर्चा उसमें मिलेगी आपको। सबसे इस तरह की चार महत्वपूर्ण रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी, एक विलियम एडम की बंगाल बिहार के बारे में, एक थॉमस मनरो की दक्षिण के बारे में मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाके की, एक आपको लेटनर की रिपोर्ट मिलेगी पंजाब के इलाके में जिसमें आज का पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के अलावा पूरा पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है, तो बहुत बड़ा इलाका है, उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, और आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये चार बड़ी रिपोर्ट आपको मिलेगी जिसमें करीब 3-3.5 लाख गांव कवर्ड हैं, और वो सब रिपोर्ट यही कहती है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ की कम से कम एक स्कूल ना हो, मोटी बात एक। दूसरी मोटी बात कि थॉमस मनरो जो मद्रास प्रेसिडेंसी वाला रिपोर्ट है उसमें बहुत डिटेल्ड है, उसमें ये भी है कि भाई किस जाति का बच्चा स्कूल जा रहा है, जाति माने वो जाति कह रहे हैं, कास्ट कह रहे हैं, लेकिन वो कास्ट नहीं है, हम लोग उसको वर्ण के तरह से समझे, जाति अलग चीज होती है, वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय बनियार और वो शूद्र अति शूद्र ऐसे करते हैं, और मुसलमान और लड़कियां और लड़के, ये 5-6 तरह से उसमें डेटा है।
उस डेटा को अगर आप देखेंगे तो आज के हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो हमारा है उससे करीब करीब मैच करता है। यानी जितने शूद्र अतिशूद्र जातियां हमारे यहाँ आज जिनको हम कहेंगे जितना परसेंटेज उनका है जो कि करीब करीब 80% है, वो उसमें स्कूल में 80% बच्चे इन जातियों के हैं। ये अमेजिंग डेटा है। तो ये खैर हमको पढ़ाया नहीं जाता, और ये कोई मैनिपुलेटेड डेटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अंग्रेजों का डेटा है, उन्होंने बाद में बहुत मैनिपुलेशन शुरू किया, लेकिन शुरू में वो इसमें मैनिपुलेट क्यों करेंगे, ऐसा एक प्रश्न उठता है कि वो इसमें। आज का तो कोई रिसर्च हो तो हम बोल सकते हैं कि ये बायस्ड है वगैरह वगैरह, और वो रिसर्च नहीं है, वो सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 1853 में जो चार्ल्स ट्रेवेलियन का मतलब उस टाइम ये बहस चल रही है इंग्लैंड में कि हम क्या मैकॉलियन विधि से पढ़ाएं हिंदुस्तान में, या जो ये पुरानी रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है, जिसमें गणित पढ़ाया जाता है, जिसमें व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसमें खेती भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं पे हथकरघे की बात है, वो विधि को हम चलने दें, ये डिबेट हो रही। तो उस डिबेट में चार्ल्स ट्रेवेलियन एक बड़ा अफसर है जो एक्चुअली विलियम बेंटिक का ब्रदर इन लॉ है और मैकॉले का भी ब्रदर इन लॉ, ये तीनों रिलेटेड हैं। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन वहां पे उसका इंटरव्यू हो रहा है कि उसकी तुम्हारी क्या राय है, और चार्ल्स ट्रेवेलियन जो है वो 12 साल हिंदुस्तान रह के इंग्लैंड आया है। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन उसमें इंटरव्यू में एक जगह कहता है, ये पंडित सुंदरलाल की किताब में आप पढ़ सकते हैं भारत में अंग्रेजी राज, 3 वॉल्यूम में है, उसमें ये इंटरव्यू है। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई मैं तो कोई एजुकेशनिस्ट नहीं, बट मैं 12 साल हिंदुस्तान रहा, मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं पहले 6 साल दिल्ली रहा और 6 साल में एक रात भी मैं आराम से नहीं सो पाया, क्योंकि कई रोज कहीं ना कहीं से खबर आती थी कि आज यहां से कुछ लोग विद्रोह करने वाले, आज वहां से कुछ हो रहा है, वहां से साजिश रची जा रही है, वहां कुछ हो रहा है। हम सो नहीं पाए चैन से, हम लोग सो नहीं पाए। फिर मैं 6 साल कलकत्ते गया अंत के, और मैं हर दिन चैन से सोया क्योंकि वहां का हिंदुस्तानी अब पढ़ लिख गया है, और पढ़ लिखने के बाद वो हमारी नकल करने में लग गया है। वही बात कह रहा है जो विलियम बेंटिक कह रहा है। अब इसको हमको उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि एक तो नकल की साइकोलॉजी क्या होती है, और दूसरा ये पढ़ाई से नकल का क्या संबंध है। और वो ये नकल की बात तो कर नहीं रहा है कि भाई उसकी कॉपी देख के मैंने कॉपी कर दिया। ये जो इसकी साइकोलॉजी है वो ये, जिसको महात्मा गांधी से मैंने समझा कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि भाई स्कूल शिक्षा संस्था और घर की दूरी बढ़ गई है, ये दूरी बढ़ने से हमारे में एक हीन भावना व्याप्त हो गई है, क्योंकि घर की बोली अलग, स्कूल की बोली अलग, घर की पोशाक अलग, स्कूल की पोशाक अलग। और पोशाक का मतलब शर्ट का रंग बदलने से नहीं है, पहनावा अलग। घर में आप अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, या लुंगी पहनते हैं, कुछ और पहनते हैं, स्कूल में पैंट शर्ट में आप जाते हैं। तो घर का पहनावा अलग, स्कूल का पहनावा अलग, बोली अलग, तौर तरीके अलग, बैठने का तरीका अलग, डिस्प्यूट हो तो उसका रेजोल्यूशन अलग तरह से। तो ये सारी बातें जिसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर बोल सकते हैं, वो सब स्कूल अलग प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो घर है वो अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसकी वजह से बच्चे में एक हीन भावना अपने के प्रति आ जाती है, और वो जिसको सुपीरियर मान लेगा, ये बहुत कॉमन है कि अगर वो पोशाक को सुपीरियर मानेगा, भाषा को सुपीरियर मानेगा, इस तरह की चीजों को सुपीरियर मानेगा जिसकी नकल हो सकती है, तो वो नकल करेगा। ईमानदारी को सुपीरियर मानेगा तो ईमानदारी की नकल नहीं हो सकती, साहस को सुपीरियर मानेगा तो साहस की नकल नहीं हो सकती। तो इसीलिए ईमानदारी है, साहस है, ये जितने वैल्यूज हैं इनकी आप नकल नहीं कर सकते, इनसे आप प्रेरणा पा सकते हैं। और ये पोशाक है, भाषा है, स्टाइल है, उठने बैठने का तरीका है, इससे आप प्रभावित होते हैं, इनसे आप प्रेरित नहीं होते, इनसे आप प्रभावित होते, इंप्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं।
तो इम्प्रेस्ड होना और इन्फ्लुएंस्ड होने में और इंस्पायर्ड होने में एक बुनियादी फर्क है। जो आदमी इंस्पायर्ड होता है वो क्वालिटी से इंस्पायर्ड होता है, जिसकी नकल नहीं हो सकती। वो जब आपके अंदर घुसेगा और निकलेगा बाहर, तो उसका अपनी छटा होगी, अपना रंग होगा, उसी को विविधता कहते हैं। दो आदमी साहसी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, उनका दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। दो आदमी ईमानदार हो सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो लोग एक ही पहनावा पहन सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड, हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए, हम लोग इम्प्रेस्ड हो गए, इंस्पायर्ड नहीं हो पाए। तो ये एक चीज मुझे गांधी जी से समझ में आई, और इसको मैंने अपनी जो महिला जो कह रही थी गांव में कि होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ, उससे मैंने जोड़ा। और मैंने ये पाया कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये अवगुण बोलिए, जो भी बोलिए, इसका एक ही नाम मैं देता हूं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कि हम हिंदुस्तान के लोग बहुत बेहद रूप से सेल्फ कॉन्शियस हो गए, आत्मसंकोची हो गए, हर समय अपने को, अपना मूल्यांकन दूसरों की नजर से करने लगे, दूसरा क्या सोचेगा। मैं आज सुबह उदाहरण दे रहा था, आपको भी देना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त है क्लॉड एल्वारिस, गोवा में एक वन मैन आर्मी है एनवायरमेंटल जितने प्रॉब्लम होते हैं उसके खिलाफ। वो आदमी ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, और हम लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कहां से हम लोगों की कोई स्पेस इस देश में खड़ी हो, नहीं तो हम एक तरह की बात करते हैं, और अगर बीजेपी के रुझान वाले बैठे रहते हैं तो वो मुझे समझते हैं ये तो लिबरल लेफ्ट है, और मैं लिबरल लेफ्टों के बीच में बात करता हूं तो बोलते हैं तो आरएसएस है, हमारी कोई जगह नहीं रही। तो क्लॉड एल्वारिस, हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। तो क्लॉड ने करीब 20-25 साल पहले, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जर्मनी में, वुल्फगैंग सैक्स, एनवायरमेंटलिस्ट है। तो वुल्फगैंग सैक्स ने एक किताब लिखने का निर्णय लिया, द डेवलपमेंट डिक्शनरी, बहुत अच्छी किताब है, हालांकि 25 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी मैं उसको एक अच्छी किताब मानता हूँ, द डेवलपमेंट डिक्शनरी। तो उन्होंने उसका एडिटिंग का भार संभाला, और उन्होंने दुनिया के 25-30 लोगों को कहा कि आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, मतलब क्रिटिक है, मॉडर्न डिवेलपमेंट का क्रिटिक है वो किताब। तो क्लॉड को भी कहा, तो क्लॉड 25-30 पेज का एक बढ़िया आर्टिकल बना के उनको भेज दिया, और वुल्फगैंग सैक्स ने कहा बहुत बढ़िया आर्टिकल है, फिर झेपते हुए बोला पर भाई थोड़ा बिब्लियोग्राफी तो लिख दो, आर्टिकल बहुत अच्छा है लेकिन जब तक बिब्लियोग्राफी नहीं लिखोगे तो फिर विद्वत समाज में उसकी पूछ कैसे होगी। तो क्लॉड भी बदमाश है, तो क्लॉड ने जो बिब्लियोग्राफी भेजी उसमें सब भारतीय लोगों की बिब्लियोग्राफी, रविन्द्रनाथ टैगोर का था, महात्मा गांधी का था, महाभारत का था, रामायण का था, एक भी विदेशी नहीं। फिर से उधर से जवाब आया कि क्लॉड नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, लेकिन दो चार वेस्टर्नर्स तो उसमें होने ही चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है ये तो क्लॉड को तो बताना पड़ा उसको ना, और क्लॉड तो ये गेम को समझता है, हम लोग बिना समझे उस गेम में शामिल हो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वो हमको मूर्ख समझेगा, ये कॉन्फिडेंस ही हमें नहीं रहा कि हम अपनी बात अपने ढंग से करें। मैं बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, हालांकि और लोगों से कम जाता हूँ लेकिन फिर भी जाता हूँ, और खास करके दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई बड़े शहरों के कॉन्फ्रेंसेस की मैं आपको बात बताऊँ, बेंगलोर हैदराबाद दक्षिण में फिर भी कम है, पर ये जो हमारे इस तरफ के शहर हैं बड़े शहर, उसमें मैंने पाया है कि ये अज्यूम्ड है कि आप अंग्रेजी में बोलें, इतनी सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम अंग्रेजी में अगर नहीं बोलेंगे तो हमको तो मूर्ख समझेगा दूसरा, अब वो समझे या ना समझे, पर आपने ये मान लिया। एक मैं ये बहुत खराब लगता होगा तो कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन मैं एकदम डंके की चोट पे ये बात को अगर महीन बारीकी में जाएं तो ये एक अंदर में है हमारे कि अंग्रेजी जब तक नहीं बोलेंगे हमको कोई सभ्य नहीं मानेगा, हमको कोई विद्वान नहीं मानेगा, हमको कोई पढ़ा लिखा नहीं मानेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जैसे माहौल में उस तरह से आप देख लीजिए, उसके कई पड़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। एक तो ये, दूसरा जब तक आप 4-5 विदेशियों को कोट ना कर लें और उसका रेफरेंस ना दे दे तब तक आप मूर्ख समझे जाते, ऐसा भी मान लिया गया है
समझे जाते हैं या नहीं समझे जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा मान लिया गया है। और मैं कई बार बात करता हूं और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी समझ धर्मपाल, महात्मा गांधी इत्यादि इत्यादि और भी उसमें 5-10-15 नाम हैं, सबके सब हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो चले गए चाहे वो जिंदा है, पर हैं हमारे देश के। और जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास बाद में लोग मिलने आते हैं, हाँ हाँ ये तो हार्वर्ड गार्डनर कह रहे थे, आप वही बात कह रहे थे। नहीं भैया, मैं बात कर रहा था अपने देश की, उन्होंने भी पकड़ लिया होगा, मैं उनको नहीं पढ़ाऊं। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में रोज आए दिन ये बात होती है। हम लोगों ने 20 साल पहले एक जब ये पाया कि साहब ये जो पढ़ाई लिखाई है इससे बहुत नुकसान हो रहा है और ये एटीट्यूड इस तरह का बन रहा है, हीन भावना आ रही है, नकलची बन रहे हैं, तो हम लोगों ने एक किताबों का विश्लेषण किया। हमने तमिलनाडु की भी किताबों का विश्लेषण किया, हमने CBSE की किताबों का भी विश्लेषण किया, ICSE की किताबों का भी विश्लेषण किया, शिशु मंदिर और RSS की किताबों का भी विश्लेषण किया, जरूरी था क्योंकि हम ये समझना चाहते थे कि अपने आप को अलग क्लेम करते हैं, उनकी किताब भी देख ली जाए, यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड का भी किया। और आप विश्वास कीजिए RSS से लेके इंग्लिश मीडियम तक की ये पूरा रेंज, अगर इसको आप दो एक्सट्रीम माने तो इस पूरे रेंज में एक ही अंडरलाइन वैल्यू सिस्टम एक ही है, इधर राणा प्रताप पढ़ाया जा रहा होगा उधर नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरलाइन वैल्यू सिस्टम एक है। और वो क्या है कि उसको एक दो उदाहरण से आपके सामने पेश करता हूं। तीसरी कक्षा की हिंदी की किताब बाल भारती भाग 3 यूपी बोर्ड की, उसमें यह कहा गया है, सरोजनी नायडू पे एक पाठ है, कक्षा 3 का बच्चा 8-9 साल का होता है, अगर वो सामान्य हो बच्चा, कभी कभी 10 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन 5 साल में पहली क्लास, तो 8-9 साल की उम्र है उसकी, तीसरी कक्षा में है, हिंदी की किताब है, यूपी की किताब है, और उसमें हिंदी पढ़ने हिंदी सीखने की किताब है। सरोजनी नायडू के चैप्टर में कहा गया है, सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती। वो तो बच्चा गया, वो गया, मतलब आपने उसको मानसिक रूप से जो आघात पहुंचा दिया उसको भरने में सदियों लगेंगे उसको। मैं IIT के छात्रों को जानता हूं, मैं भी IIT में रहा हूं, जो थोड़ा सा लो रैंक आ जाता है बेचारे बच्चे का, 2000 आजकल तो 10,000 भी हो गए, हमारे जमाने में 1,500-2,000 एंटर करते थे, तो जिसका थोड़ा लो रैंक आ जाता है वो बच्चे की पीड़ा को कभी आप समझिए कितनी बड़ी पीड़ा होती है। वो IIT से निकलने के बाद भी उसकी भरपाई नहीं होती अनलेस कि वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई नडेला निकल जाए, तब जाके भरता है, और तो किसी एक का होगा करोड़ों में। ये बाकी घाव लिए रहते हैं। मैं IIIT में जाता हूं, बच्चों से जब अंतरंग बात होती है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, वो इस बात का रोना रोते ही IIT में नहीं निकल पाए। और ये आप मामूली मत समझिए, ये मनोवैज्ञानिक रूप से इट्स अ वायलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और वो छुपाता है उसको, और वो छुपाता जब है अपनी अपनी घाव को, इस तरह के साइकोलॉजिकल पीड़ा को, तो एरोगेंस में परिवर्तित होती है, वो घिघी नहीं करेगा, वो एरोगेंट होता है, और वो भी मतलब उसके लिए घातक है। तो ये जो घाव है, आप IIT में इसको अगर आप स्टडी कराएं, आप पाएंगे कि कितने आपके छात्र जो बेचारे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन नहीं मिल पाया जिनको, उनकी जरा सर्वे करके देखिए क्या हाल है, और उसके बारे में IIT जैसे संस्थान को कुछ काम करना चाहिए, बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है। ये जो फांसी लगाते हैं हर साल IIT के छात्र, हर साल 5-6 की तो बलि होती ही है, कोटा वाले को मिला ले तो, इस पर हमको बहुत गंभीर, ये हीन भावना का सवाल है, ये हीन भावना को पूरा देश ग्रसित है। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा बड़े लोगों का, कहीं हम पे केस वेस हो जाए, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक, और मैं बहुत सारे बड़े लोगों को जानता हूं, और जान पहले तो और भी लोगों को जानता हूं, ऊपर से लेके नीचे तक ये कहीं ना कहीं रहता है। कोई उसको कपड़े पहन के ठीक करने की चेष्टा करता है, कोई एक्सेंटेड अंग्रेजी बोल के ठीक करने की चेष्टा करता है,
कोई किसी तरह, ये सब विकृतियां निकलती रहती हैं। तो ये देश सहज कैसे बने, ये देश में पुनः आत्मविश्वास कैसे आए। आत्मविश्वास वो वाला नहीं कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे वंशज हैं और ये, मैं तो ये कहता हूं इस जगह में जब आता हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जब बीएचयू में, ये मेरी तीसरी विजिट है, बनारस में मेरी छठी सातवीं विजिट होगी, मैं जब आता हूं मतलब बनारस मुझे प्रफुल्लित कर देता है। और मैं आज सोच रहा था बात क्या है, बीएचयू में जब आता हूं मुझे बहुत प्रसन्नता होने लगती, कुछ किया ना किया, और मैं सोचा था कई चीजें सोच रहा था, मैं सोचा शायद इसका इतिहास थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। 1916 की गांधी जी की स्पीच जो यहां उन्होंने दी थी फरवरी में, 6 फरवरी को शायद उन्होंने दी, डेट मेरे को से इधर उधर हो सकती है लेकिन शायद 6 फरवरी की स्पीच है, गांधी वांगमे में है, जिसमें उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की ऐसी की तैसी कर दी थी और जिसमें उन्होंने हिंदी में बोला था, और एनी बेसेंट ने कहा कि आप अंग्रेजी में बोलिए क्योंकि वो चेयरपर्सन थी, और गांधी जी ने बोला, छात्रों से पूछा भैया हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं, सब छात्रों ने कहा हिंदी में बोलो, और फिर उन्होंने दूसरी बात बोली कि हमारे से पहले 4 या 3 स्पीकर बोल के गए हैं और वो उन किसी की भी बात आपके हृदय में नहीं लगी। गांधी जी पूछते उछते नहीं है कि लगी कि नहीं लगी, वो बोल रहे कि आपके हृदय को नहीं छुई, सिर्फ एक व्यक्ति की बात छुई होगी क्योंकि वो अंग्रेज था और उसने अपनी भाषा में बोला और बाकी सब हिंदुस्तानी थे और उन्होंने अंग्रेजी में बोला इसलिए उनकी बात आपको छुई नहीं होगी, इसलिए भी मैं हिंदी में बोल रहा हूं। और उसमें फिर क्या कमाल की स्पीच है साहब, आप सबको पढ़ना चाहिए, सारे बच्चे जो यहाँ आते हैं उनको एक बार पढ़ा देना चाहिए या सुना देना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि भाई मैं तो समय का पाबंद हूं और इस जगह मुझे देरी से मैं पहुंचा हूं तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इसलिए देरी से पहुंचा ये भी बता दूं, और फिर वो लॉर्ड हार्डिंज की ऐसी की तैसी कर देते कि लॉर्ड हार्डिंज को अपनी जान का खतरा है, इसलिए मुझे बार बार रोका गया, हमारी गाड़ी को चेक किया गया। ये आजकल तो हर जगह आम बात हो गई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर के लिए कि जगह गाड़ी रोके चेकिंग करें, उस समय तो बड़ी अनहोनी सी बात थी। तो मेरी गाड़ी को 3-4 बार रोका गया और लॉर्ड इसलिए रोका गया कि लॉर्ड हार्डिंग जो यहाँ बैठे हैं मेरे सामने उनको अपनी जान का खतरा है। तो जिस हमारे शास्त्रों में, अब देखिए गांधी जी की कला, जिस हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस राजा को अपनी प्रजा से ही डर लगता हो उसको तो जीने का ही अधिकार, पर लॉर्ड हार्डिंग तो अपनी जान भी नहीं ले सकते क्योंकि वो नौकर है ब्रिटिश रानी के। ये बात कहने की हिम्मत इस प्रांगण में, और महात्मा, ये तो सब बच्चों को कि हम किस विरासत के बच्चे हैं, इस बीएचयू क्या चीज है। और मैंने थोड़ा बहुत आपकी सेनेट, अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ एक सेनेट होती थी और उस सेनेट की बहसें मैंने देखी हैं, एक तरफ भगवान दास जी बोल रहे हैं, एक तरफ मालविया जी बोल रहे हैं, और क्या अकेडमिक बहस है, क्या उसका स्तर है, आप जरा पढ़ लीजिए। और आप बोलेंगे कि हमारा पार्लियामेंट कहाँ है भाई, मैं बताऊं पार्लियामेंट उसके सामने तुलना ही नहीं है आज के पार्लियामेंट की, कभी रहा होगा आज का पार्लियामेंट 10 साल से या 15 या 20 साल से हमारे पार्लियामेंट की बहसें, और किसी की भी आप ले लें जो सबसे अच्छे से अच्छा आपका स्पीकर लगता हो उसकी बोलने वाला स्पीकर माने वो उसकी आप बात सुने, और यहाँ जो बीएचयू में सेनेट में जो बहसें हो रही हैं उसको आप सुने, तो आपका मेरी तो छाती तो चौड़ी होती है यहाँ आके कि ये क्या जगह में आया हूँ। यहाँ के पेड़ मेरे सर में, पता नहीं इन्वेंट्री आप लोगों ने ली है कि नहीं, मेरे सर में 3-4 लाख पेड़ होंगे इस पूरे परिसर में, और क्या क्या उसकी वेराइटी है। हमारे IIT उसमें जाके देखिए, एक पेड़ लगा रहता है अशोक का, वो वीपिंग अशोक जिसमें ना चिड़िया बैठती है ना बच्चे आते हैं, कुछ नहीं, निकम्मा पेड़। और यहाँ पे आपका आम है, बरगद है, पीपल है, जामुन है, क्या नहीं, चिड़िया भी आती है, बच्चे भी खेल सकते हैं, छाया भी देता है, वीपिंग अशोक छाया भी नहीं देता। यहाँ की सड़कें देखिए, 20 फुट की सड़क होगी पिच वाली, लेकिन उसके अलग बलग 30-30 फुट की जगह है, क्या कल्पना रही होगी। यहाँ पे मैं जब 10 साल पहले आया था तब तो यहाँ छोटे छोटे मंदिर भी मुझे दिखाई दिए थे ग्राम देवताओं के,
अभी भी होंगे, और वहां पे लोग आके गाना बजाना भी करते थे गांव के लोग। ये किसी परिसर में इस तरह की रस आपको मिल सकता है? यहाँ की हर बिल्डिंग से ऊंचा पेड़ है, पेड़ की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ऊंची है। हमारे IIT में वो आईसो बिल्डिंग 10 तल्ले की, 8 तल्ले की, और पेड़ बेचारा ठिगना सा। नेचर की क्या ऐश्वर्य है यहाँ पे, मन खुश हो जाता है इस विरासत, और इसमें आज भी हम जी रहे हैं। इसको कहीं तो हमारे बच्चों में जाना चाहिए कि उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, सहजता इससे कनेक्ट हो कि हाँ ये हुआ। हम तो नीरसता में पड़े हुए हैं, हम तो वेस्ट को कॉपी करने में पड़े हुए हैं। हम पहले इंग्लैंड को कॉपी करते थे, अब अमेरिका को कॉपी करने लगे। मैं थोड़ी सी बात और कहूंगा, मुझे समय का कोई भान नहीं रहता जब मैं बोलने लगता हूँ, लेकिन मेरे समय 15 मिनट और है कि नहीं है? मुझे सर देरी हो। ओके, तो मैं अभी एक बाल गंगाधर जी का जिक्र करना चाहता हूँ, प्रोफेसर बाल गंगाधर। प्रोफेसर बाल गंगाधर कर्नाटक के हैं मूलतः, पिछले 40 साल में बेल्जियम में पढ़ाते हैं गेंट यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत विलक्षण काम कर रहे हैं। वो अब इंडिया को नॉन यूरोपियन दृष्टि से देखने पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम है। तो उन्होंने एक इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, उस इंडिया प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक्स भी आ सकते हैं, नॉन एकेडमिक्स भी आ सकते हैं, हेल्थ वाले भी आ सकते हैं, एजुकेशन वाले भी आ सकते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज भी आ सकते हैं, इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। मैं एक कभी सेमिनार हुआ लास्ट मंथ, तो मुझे बुलाया उन्होंने बैंगलोर में, वहां पे एक अमरीकी प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर नाम मैं भूल जाता हूँ, बहुत मेरी नाम के बारे में मुश्किल है, नंबर तो याद हो जाते हैं, नाम भूल जाता हूँ। वो बोलते हैं अपने यहाँ दो तरह की मेमोरी होती है, आँख की और कान की, तो मेरी आँख वाली मेमोरी ठीक है, कान की मेमोरी ठीक नहीं है। नाम कान से जुड़ा होता है, नंबर आँख से जुड़ा होता है। तो वो प्रोफेसर साहब, काफ़ी उम्र है उनकी 77 साल, UCLA में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, द एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल। वो ये बता रहे थे कि अमेरिका में क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, और ये हमको समझना चाहिए क्या हो रहा है साहब। उन्होंने कहा कि आप अगर बड़े आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का बजट देखें, हार्वर्ड वगैरह के, तो उनके बजट यूरोप के कई देशों को मिला लें उससे बड़े बजट है, हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़े, इतना बजट है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थ्रू प्रोफेसर जाता है। उनकी सैलरी तो है ही खैर बहुत बड़ी, लेकिन उनको रिसर्च ग्रांट बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, लूज ग्रांट्स भी मिलती है, जिसको वो जो जैसे, हम बहुत अच्छी बात मानते हैं इसको ना, लेकिन देखिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। अब उनकी जो वो पूरा ग्रांट है, पैसे हैं, उसको किससे टाई अप किया हुआ है, वो भी अच्छी बात लगेगी आपको और अच्छी ही बात होगी, लेकिन इसकी मैं राजनीति समझाना चाहता हूँ। वो जो मैंने उनसे समझा कि ये है कि आप कितने पेपर्स पब्लिश करते हैं, मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की और इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो उनकी ये टाइड अप है कि कितने पेपर्स लिखे, कितने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस आपने ऑर्गेनाइज की और कितने में आप गए, बेसिकली ये एक चक्कर चलता है। तो वो ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं जिसमें कि उनका पब्लिक से, साधारण नागरिक से नाता बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। एक तरफ तो पैसे की इतनी, पर्सनल पैसे इतने मिल रहे हैं, सैलरीज इतनी मिल रही है कि जरूरत क्या है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता ही है ना, तो कहीं दुकान में भी जाने की जरूरत नहीं है, और पब्लिक से कोई नाता ही नहीं, क्योंकि सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस में बहुत सिलेक्ट क्राउड आता है। सो अमेरिका हैज नो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स फॉर द लास्ट 20-25-30 ईयर्स, ऐसा वो कह रहे थे। और वो ये कह रहे थे ये बाई डिजाइन है, क्योंकि जनता को वहीं रखना है, उनको उलझाए रखना है। अगर उससे, उनसे आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे जनता से, तो जनता अपने जैसा आप नाच नचाएंगे वो नाचती रहेगी, जो कि अमेरिका ने उसमें सिद्धि प्राप्त की है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के जमाने से, 1940s से। उसकी बात भी हो सकती है लेकिन बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। अब होता क्या है कि एक तरफ आपने पब्लिक को काट दिया, दूसरी तरफ जो लिबरल लेफ्ट है, जो आप आज के टीवी देखें, हमारे यहाँ के अखबार देखें, तो इंग्लिश मीडिया बाय एंड लार्ज, कुछ अपवादों को छोड़ के, जो
जो एकदम राइट की तरफ चले गए हैं वो लिबरल लेफ्ट वाले वॉइस हैं। मैं नाम लेने से मैं डरता हूँ, मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए कि बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे अखबार लिबरल लेफ्ट हैं जो बड़ी बढ़िया बातें करते हैं, मतलब सिद्धांत अच्छे। तो जो सोशल साइंस का एकेडमिक वर्ग है वो लिबरल लेफ्ट की बात करता है, और अमेरिकन सोसाइटी को आप और हम सब बच्चा बच्चा जानता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आउट एंड आउट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो कैपिटलिज्म ने लिबरल लेफ्ट को कॉप्ट कर लिया है अच्छी तरह से, और उसको प्रमोट किया जा रहा है थ्रू एकेडमिक्स, क्योंकि जनता से तो लेना देना है नहीं। तो एक तरफ आप जनता से काट दो, दूसरी तरफ आप इस वॉइस को वॉइस देते रहो, तो आपकी जैसे जॉर्ज बुश काला पेंट कर दिया तो ओबामा बहुत उज्जवल हो गए ना। ओबामा को उज्जवल करने की जरूरत नहीं थी, एक को काला करो, क्योंकि पोलराइज कर दिया हमने सारी दुनिया को। तो पोलराइज दुनिया में एक को काला पेंट करो तो दूसरा अपने आप उज्जवल हो जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप को काला पेंट करो तो हिलरी क्लिंटन उज्जवल हो जाती है। हिंदुस्तान की बात आप समझ जाएंगे, जो भी हो रहा है यहां इंग्लैंड में यही हो रहा है। तो ये जो पूरा पॉलिटिक्स है ये हमारी एकेडमिक से इसका संबंध है। अगेन मैं बोलूंगा साइंस से इसका अभी लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल साइंस जो कंट्रोल कर रहा है दुनिया को, हम कहते हैं साइंस कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल तो सोशल साइंस की थ्योरीज कर रही है। और सोशल साइंस में ये हो रहा है कि पूरी दुनिया को पोलराइज करना है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को हटाना है। पोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, मेरे और क्लॉड जैसे लोगों की जगह नहीं रही, तो आपकी कोई भी आप बात करें उसकी जगह नहीं है, जगह इन्हीं दो लोगों ने, दो फोर्सेस ने बना रखी है। तो आप यहां पुष्ट हो जाएंगे या आप यहां पुष्ट हो जाएंगे, आपकी जगह नहीं रहेगी। आप सब लोग, हम लोग जो साधारण लोग हैं, मैं साधारण एक सेंस में बोल रहा हूं, हम साधारण लोग हैं, हम जनता के लोग हैं, हमको, हम कई बार देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हम ये भी ठीक नहीं बोल रहा है, ये भी ठीक नहीं बोल रहा है, पर हमारी वॉइस कहाँ है। हम तो ये जो बोल रहा है इससे मैं सहमत नहीं हूं, इसकी जिसकी ये क्रिटिक कर रहा है, जिसकी ये बुराई कर रहा है उससे मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन ये जो बोल रहा है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं, ये बार बार हमको लगता रहता है। मैं इसको अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस से रिलेट करना चाहता हूं, और वहां मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि ये जो जब तक हम सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, भारत जो है, मैं ये कोई एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूं, मेरा गांव का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि हम भारत के साधारण लोग अलग प्रकार के जीव हैं, हम लोग लीनियर लोग नहीं हैं, हम लोग ट्रांजैक्शनल लोग नहीं है, हमारा जरा घुमावदार कहानीकार हमारा दिमाग है, और वो अच्छा भी है क्योंकि उसमें होलिस्टिक सोच होती है। आप किसी महिला से पूछिए, साधारण महिला से, तुम क्या करती हो, कोई सर्वे करने जाइए, रिसर्च करने जाइए, आप क्या करती हैं, वो बोलेगी हम कुछ नहीं करते, सुबह से शाम तक खटती रहती। आप साधारण किसान से पूछिए क्या करते हो, बोलेगा थोड़ा बहुत खेती कर लेते हैं, लेकिन वो उसके बाद जो ज्ञान है हजारों चीजों के बारे में, ये मैंने डॉक्यूमेंट भी किया है इस चीज को, इसलिए मैं बोल सकता हूं, उसके बाद मिट्टी का ज्ञान है, उसके बाद बीजों का ज्ञान है, बीजों के संरक्षण का ज्ञान है, मौसम का ज्ञान है, पशु पक्षियों का ज्ञान है, कीट पतंगों का ज्ञान है, कीड़े मकोड़ों का ज्ञान है, आदमी के व्यवहार का ज्ञान है, स्वास्थ्य का ज्ञान है, हजारों तरह के ज्ञान है जो लोक विज्ञान, उसको हमने जगह नहीं दी, लेकिन वो साधारण जो हमारा है, मेरी दादी नानी के पास जो ज्ञान था मेरी पत्नी के पास नहीं है, और जो मेरी पत्नी के पास ज्ञान है वो मेरे बेटे बेटियों के पास नहीं है, और उसको हमने एकदम जैसे अपनी भाषा को छोटा मान लिया। अब भाषा को जब छोटा मान लिया, बोल बाल लेते हैं, लेकिन असली तो वो है, असली तो अंग्रेजी है, तो होता क्या है, अपनी भाषा से नाता बदल जाता है, वो कामकाज की भाषा होके रह जाती है, उसके मुहावरे नदारद हो जाते हैं, उसकी कहानियां नदारद हो जाती है, उसकी परंपराएं नदारद, भाषा की परंपरा नदारद हो जाती है। हमारी भाषा की परंपरा है होने वाली, हमारा हाथ जल जाता है, हमारी शादी हो जाती है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, हाथ जल गया। ये तमिल में भी ऐसे ही है, तेलुगु में भी ऐसे ही है, बंगाली में भी ऐसे ही है, मराठी में, गुजराती में, जिस भाषा को आप हिंदुस्तान के लिए, इंक्लूडिंग तमिल, ऐसा ही है। हमारे यहाँ चीजें होती हैं,
अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में, जर्मन में, यूरोपियन भाषाओं में चीजें की जाती है। आई बर्नड माई हैंड, मैंने अपना हाथ जलाया, उसका लिटरल ट्रांसलेशन तो यही होगा ना, आई बर्नड माई हैंड, मैंने अपना हाथ जलाया। उसने अपनी शादी की, उसके बच्चा हुआ, उसने बच्चा पैदा किया, हमारे यहां बच्चा हो गया, शादी हो गई। तो हर चीज में आप देखेंगे वी आर अ हैपनिंग कल्चर, यू नो दिस इज एम्बेडेड इन आवर माइंड्स। और हम उसको भूल करके जब दूसरी भाषा को अपनी मां बना लेते हैं तो हमारे दिमाग थोड़ा पंगू हो जाता है, पैरालिटिक हो जाता है, ओरिजिनलिटी को छोड़ देता है, इमिटेटर बनने के लिए पूरी तैयारी कर देता है। अंग्रेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अंग्रेज हिंदी बोलता है, जैसे फ्रांसीसी हिंदी बोलता है, जैसे मातुली हिंदी बोलता है जो 45 साल से हिंदुस्तान में है, अच्छी खासी हिंदी बोलता है, लेकिन आप सुनिए कभी उसकी हिंदी, बढ़िया हिंदी बोलता है लेकिन आप सुनिए। और हमारे यहाँ एक साल अमेरिका रहा है वो आदमी, जब वापस आता है तो उसकी अंग्रेजी सुनिए। तो ये क्या है, ये अगर हीन भावना नहीं है, ये कहीं कुछ और प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल नहीं है तो क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं कुछ इशारों में बात करने की मैंने चेष्टा की, कुछ सीधे सीधे बात की, मैं समझता हूँ यहाँ मुझे अब समाप्त करना चाहिए। मैं इस रॉ में आता हूँ तो बहुत आगे भी जा सकता हूँ लेकिन समय की सीमा है तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। Gracias.